ये देखिए कानपुर में दही के कबाब और मलाई पनीर समोसा और साथ में वेज कटलेट। कहाँ पर आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बताऊंगा। शॉप की क्या टाइमिंग है, वीडियो का एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फूडिय अमित कानपुरिया। और भैया आज हम आए हैं घूमने के लिए नेहरू नगर में। नेहरू नगर का एरिया जो पड़ता है वो पी रोड का पीछे वाला रोड होता है। आपको मैं दिखाऊँ जो पी रोड का पीछे वाला मार्केट है, यहाँ पर बालाजी चौक पड़ता है। बालाजी चौक से जब आप पी रोड से आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा ये पप्पू समोसा वाले काफ़ी फेमस है, पुराने हैं यहाँ शॉप इनकी। तो आइए चलते हैं पप्पू समोसा के ओनर से मिलते हैं और यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है उसको टेस्ट करते हैं और उनका टेस्ट कैसा है आपको बताते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम? मेरा नाम ऋषभ है। भैया शॉप का नाम जो है ये किसके, आपके? ये पापा फादर के नाम है मेरे। अच्छा, ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये 35 साल हो गए इस शॉप को। अब पापा भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, दोनों जन इस दुकान को देख रहे हैं। क्या टाइमिंग है जी शॉप की? टाइमिंग है 9 बजे से 8:30 तक। क्या क्या वैरायटी है? वैरायटीज़ है, मेरे पास समोसे हैं, पनीर समोसा है, पनीर कॉर्न समोसा है, मलाई पनीर समोसा है, पनीर चीज़ समोसा है और दही कबाब है, गुजिया है, पनीर ब्रेड है, पनीर समोसा है, मतलब काफ़ी वैरायटी है। ऑल वैरायटी है आपके पास और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम आपका ये पूरा सेटअप देखना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए दिखाते हैं दोस्तों। पनीर ब्रेड है, ठीक है। ये मिर्चा है भैया, ये पनीर मिर्चा होता है। क्या क्या प्राइसिंग के होते हैं बताते हैं। जो हमारी पनीर की होती है 20 रुपये कॉस्ट है, ठीक है जी। मिर्चा है ये 15 रुपये है, ठीक है। गुजिया 15 रुपये है, ठीक है। और खस्ता है, मटर पनीर सब्जी रहती है, सूखी सब्जी रहती है, रायता रहता है, 20 रुपये का एक है। कटलेट मिल जाएगा आपको 20 रुपये का ये है, ठीक है जी। पनीर पकौड़ा है 15 रुपये पर पीस के हिसाब से होता है ये, ठीक है जी। दही कबाब पर पीस के हिसाब से होता है। समोसा मेरे पास आलू का जो है वो 10 रुपये का है, मलाई पनीर 20 का है, पनीर कॉर्न 20 का है। आइए दोस्तों मिलते हैं पप्पू समोसा के कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं और बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम आपका? राकेश राव। भैया क्या आप क्या टेस्ट कर रहे हैं आप पप्पू समोसे का? दही कबाब। दही कबाब, दही कबाब। कितने समय से आप यहाँ खाने आ रहे हैं, क्या क्या पसंद करते हैं यहाँ की? हमें काफ़ी समय हो गया, 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से कल्याणपुर से आता हूँ यहाँ खाने। अच्छा, आप कल्याणपुर से यहाँ पी रोड तक आते हैं खाने के लिए? खाने आता हूँ। तो मेरा समोसा पनीर पनीर कॉर्न। पनीर कॉर्न, अच्छा। काफ़ी वैरायटी है भैया की, आप टेस्ट करने आते हैं स्पेशल वैरायटी? यही मिलता है और मिलते रहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये टेस्ट करते हैं इनका मलाई पनीर समोसा, देखते हैं कैसा है। ये देखिए, ये अंदर काफ़ी मलाई और चीज़ है, इसको टेस्ट करते हैं। पनीर भी, थोड़ी चटनी लेते हैं, फ्री चटनी ली है और इनकी गरम गरम बढ़िया सी एकदम मीठी चटनी और करके बहुत बढ़िया लग रही है। टेस्ट करते हैं। दोस्तों जैसा इसका नाम है वैसा ही समोसा भी बना हुआ है, पूरा मलाई मलाई इसमें भरी हुई, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इनका वेज कटलेट करते हैं। वेज कटलेट में दोस्तों देख रहे हैं ऊपर से काफ़ी मोटी लेयर है, बढ़िया सी सेव ऊपर चिपकाए हुए हैं और अंदर इन्होंने पनीर की स्टफिंग करी है और आलू का बोरा सा बना हुआ है। पूरा टेस्ट करते हैं। दोस्तों ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से पूरा सॉफ्ट, बहुत टेस्टी कंटेंट है। जो आलू के मसाले हैं वो निकल कर आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भविष्य में कानपुर घूमने आने वाले हैं, जब भी आप नेहरू नगर में बालाजी चौक के पास से गुजरे तो पप्पू समोसा पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर अगर इनकी बहुत सारी जो वैरायटी है, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो गुजिया हो, चाहे कटलेट हो, हर चीज़ को ट्राई करें और अपनी फैमिली के लिए पैक भी करवा कर ले जाएँ। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।